हेलो व्यूअर्स, अहमदनगर का किला यह अंश नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद है भारत की खोज, उसका एक अंश है। नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अहमदनगर का किला की बात करते हैं, जो प्रथम अध्याय है कक्षा 8 का। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें आए यहाँ 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधेरे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। दो तरह के पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण, अंधेरी रातें और काली रातें। कृष्ण पक्ष होता है जिसमें अंधेरा होता है, चांद नहीं होता है, और शुक्ल पक्ष में चांदनी रातें होती हैं। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। यानी यहाँ पर वो चांद देख करके अपने कारावास के दिन पूरे कर रहे हैं। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर यानी साथी, दोस्त। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैं बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भि संधियां देखी हैं। राजमहलों की दुर्भि संधियां मतलब युद्ध भी, और जो कुटिल नीतिज्ञता है वो देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद आती है। क्या घटना है, ध्यान से सुनिएगा। चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हो गई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, यानी अब मैं लिखने लग गया हूँ, पर अब तक आज़ाद नहीं हो जाता। कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यानी कि जब तक मैं काम नहीं करूँगा और आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक मैं इसके बारे में नहीं लिख सकता हूँ, किसी के बात के बारे में नहीं लिख सकता हूँ। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, यानी वर्तमान और फ्यूचर के बारे में वो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, केवल बीते हुए काल के बारे में वो लिख सकते हैं।
पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता हूँ। यानी कि मैं किसी विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई इतिहासकार भी नहीं हूँ, मैं किसी विद्वान की शैली में भी नहीं लिख सकता हूँ। नेहरू जी ये बात कह रहे हैं, मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। यानी जो मैं आज कर रहा हूँ उसी के बारे में लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था, इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी कि गेटे क्या कहते हैं कि सिर्फ प्राचीन बातों का जो भारी बोझ लगता है उन्हें, वह इस चीज़ से राहत दिलाता है कि हम केवल आज जो कर रहे हैं वही लिखें। अतीत का दबाव, दबाव भला हो या बुरा हो दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घुटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं से होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। भारत और चीन की सभ्यताएं बहुत ही प्राचीन हैं, पुरानी हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजय के उल्लास का, उसकी पराजय की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब तक भी जारी है और हमें आकर्षित करती है, मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बना रहेगा। इस विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर